कल रात में मैं 10 बजे के अराउंड डांस प्रैक्टिस करके वापस घर आई थी, तो उस समय केटरर वाले ने सारा राशन भिजवा दिया था घर पे, तो उसे एडजस्ट करवाना हमारी ड्यूटी थी, क्योंकि पापा आज दिन भर के काम के बाद बहुत टायर्ड हो गए थे। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मम्मी चले गए थे रूम सेटअप करने के लिए, और आज बना था ये गर्मा गर्म मुख्तल, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। और मेरे हस्बैंड यहाँ अपना फुल एफर्ट दिखाते हुए काम को करते हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको वैसे काम करते हुए देख के। तो यहाँ मम्मी उनको बता रही थी कि क्या क्या करना है, वो कर रहे थे। यहाँ सारी मिठाइयाँ बन के रेडी थी जो बनने वाली थी, तो मिठाइयाँ क्या क्या है ये आपको घर आने के बाद पता चलेगा, खा के टेस्ट करके बताना होगा। फिर फाइनली सारे सामान को एक जगह मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के अरेंज कर लिया एक रूम में, जो कि होगा हमारा स्टोर रूम शादी के लिए। फिर आ गए हम लोग घर वापस, 10:30 बज चुके थे। अब प्रियांश के दोस्त के जाने का टाइम आ गया था, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ऐसे इसका दोस्त, इस बचपन का दोस्त है, इसके साथ ये ऐसा चिपका रहता है कि उसके बाद इसे कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन जब इसके घर जाने का टाइम आता है, प्रियांश रोने लगता है। तो वही वो टाइम था, 10:30 बज चुके थे और प्रियांश रोने लगा था। अब सुबह सुबह फिर तैयारी हो गई चाय के साथ, सब केटरर आ गए थे और मसाले वसाले सब जो भी मांग रहे थे, और फाइनली नाश्ता बन के तैयार था। और आज से हो गई थी मेरे किचन की छुट्टी, बड़ा अच्छा लगता है किचन से छुट्टी मिल जाती है तो। और नाश्ते में बना था गर्मा गर्म चाउमीन, तो आज कोई तो गेस्ट नहीं है, हम लोग फैमिली मेम्बर्स ही है सारे, तो हम लोगों ने चाउमीन खा लिया। और प्रियांश जा रहा था ऊपर चाचू के शादी का प्रिपरेशन देखने के लिए, क्योंकि जो तिलक का फंक्शन है ना हमारे घर के छत पे ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग टॉप फ्लोर पे रहते हैं तो छत पे चढ़ना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे सारा मतलब पंडाल वाला जो डेकोरेशन है वो तो हो गया है, अभी एक दिन बाकी है तो थोड़ा बहुत और कल होगा। तो यहाँ पे पंडाल, हम लोग का जो टेरेस है बहुत स्पेशियस है, तो यहाँ ये वाला चीज़ में फंक्शन होगा। और दूसरे साइड में बना है खाने का, बनने का जो जगह होता है वो वाला है दूसरे छत पे बना है, तो ये वाला चीज़ तो ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा बहुत और डेकोरेशन होगा। और इधर बना है खाने का प्रिपरेशन। तो अब है, दिखाती हूँ मेरे टेरेस से बाहर का नज़ारा, और ये है मेरा प्यारा झारखंड। तो इसको झारखंड क्यों बोला जा सकता है, जाता है आप ये ग्रीनरी देख के पता कर सकते हैं। और मैं यहाँ लेके आ गई थी प्रियांश को सन बात कराने के लिए थोड़ा, ताकि उसकी जो जुकाम है थोड़ा सा राहत मिले और चाचू के शादी को अच्छे से इंजॉय कर सके। लेकिन यहाँ सनबाथ की जगह थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, तो मैंने थोड़ा देर ही प्रियांश को सनबाथ करवाया और मैं उसे घर लेके आ गई। और आज मेरा था रिलैक्स वाला, औरत की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि आज उसे खाना बनाना नहीं पड़ेगा, तो आज वही दिन था, आज से मेरे खाना बनाने की छुट्टी। बड़ा मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था, किचन से ब्रेक मिला है एक, तो मैं भी थोड़ा सनबाथ ले रही थी, खुशी हो रही थी। अब बहुत थोड़ा बहुत इधर उधर का काम था बस, और कुछ नहीं। और फिर मैंने भी खाया ये टेस्टी सा नूडल्स। मैं नूडल्स तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं मैगी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन चाउमीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।